हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर सपना दास्तरी। तो गाइस, आज मैं सुबह में बहुत जल्दी उठ गई हूँ। आज है 10 दिसंबर और हमारा चिरिंग का यहाँ में कुछ प्रोग्राम होगा, तो हम लोग को फैमिली लेडीज लोगों को भी बुलाया है। 8:15 AM को पहुँचाना है बोला है। तो गाइस, मैं भी फटाफट रेडी करती हूँ। उसके बाद अभी सबसे पहले तो मैं नहाऊँगी, पानी गर्म करके हो चुका है। लाख मेरा पानी भी पानी। तो गैस, मैं नहा धो के भी आ गई हूँ। बाल पूरा नहा धो लिया, पूजा वूजा कर लिया, घर साफ सब सब कुछ कर लिया है, पूजा भी कर लिया। तो अभी मैं रेडी करती हूँ, हमारा जो आज का प्रोग्राम है मैं वहाँ जाने के लिए मैं रेडी करती हूँ। तो चलिए, आप लोग भी देखते रहना मैं कैसे रेडी करती हूँ। 8 घंटा तक पूछो बोला क्या करो लगा बोले नहीं थोड़ा दो ना पिक तुम साला पतला पतला क्या यूट्यूबर फालतू को मारो ना वो तो मान नहीं सकता कसम हम खुद भी है कितना जल्दी भी रहती हूँ ना धोती वैसे मालूम है दिल साफ आज मन चंगा तो बगल में गंगा अप्लाई करेगा थोड़ा से फटाफट जाओ जल्दी बात नहीं गुस्सा हो जाएगा नहीं हो तुम ना बात सुन गा ये जो मत लगाओ रे पीछे आ जाओ पहले बैठ करके वो कितना 7:30 हो गए रे बस तुम के जाओ तुम ये हम तो शॉल लगाएगा अच्छा लग रहा है लेकिन तुम आज क्यों कसम से कुछ एक हाईलाइट हो रहे तुम ये लगाए ना इसलिए हाईलाइट हो रहे तो नहीं पूरा लगा वहाँ उधर उधर ठीक थे मास्क पर This is my look. हम लोग सब रेडी हो चुका है। ये है लेकी सांगमो हमें और यह है आज जैसे वो पीछे से देखो आगे नहीं दिखाएगा ठीक है सी इन बैक साइड तो गाइस वी आर ऑल आर रेडी आज हम भी आ रही है सब आ रही है संगीत चले ये चल आ अम्मा और
गाइस, ये है देसी, ये हमारा टिबेटन रिचुअल में ये प्रसाद के तौर पे दिया जाता है, और ये बटर टी है। तो अभी इसको हम, ये है भगवान का प्रसाद, तो उसको अभी हम लोग ले रहे हैं आशीर्वाद के तौर पे। तो बहुत ही मतलब बोलना तरीका है, मतलब बहुत ही स्वाद टेस्टी हुआ है प्रसाद। तो और एक मतलब प्रसाद टेस्ट होने का मतलब हम लोग ये भी मानते हैं कि मतलब प्रसाद में भगवान का आशीर्वाद होता है, तो उसको ऑटोमेटिकली एक स्वाद आ जाता है। तो ये, और मैंने ये मतलब खुद से भी रियलाइज़ किया, आप नॉर्मली खुद घर में बना के खाओ सेम चीज़ को, सेम इंग्रेडिएंट डाल के, पर वो टेस्ट आता ही नहीं। जो मतलब मंदिर कोनपा वहाँ से जो उनका जो प्रसाद होते हैं, वो प्रसाद में जो टेस्ट रहता है, जेन्युइनली हम लोग जो घर में बनाते हैं उस चीज़ में नहीं आता है। तो उसी से पता चलता है कि ये भगवान का आशीर्वाद रहता है। गाइस, अभी हम लोग गोनपा जाके आ गया है। गोनपा में प्रेयर हो रहा था, प्रेयर पूरा अटेंड किया है। तो और उसके बाद अभी प्रोग्राम, तो मतलब जो गाना वगैरह का जो सेशन है वो शायद इवनिंग को होगा। तो अभी मॉर्निंग का जो क्या था कि आपका गोनपा में जाके प्रेयर करना है, जो हमारा ही होलीनेस दलाई लामा जी के लिए, उनके लिए प्रेयर किए हैं। तो बस जाके आ गया है, तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, मिलते हैं शाम को। गाइस, मैं पार्टी में आ गई हूँ, तो मैं पूरा फुल वीडियो तो नहीं बना सकती क्योंकि अलाउ नहीं है। तो बस वही है, थोड़ा सा बहुत बैठेंगे, प्रोग्राम वगैरह देखेंगे, उसके बाद अपने रूम में चला जाएगा क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस, मैं कल का वीडियो को मैं एंड नहीं कर पाई क्योंकि कल बहुत रात हो चुका था, 11:30 हो गया था, और बाहर इतना ठंड था कि मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि मैं दोबारा आके ब्लॉगिंग करूं। तो गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे, डे आफ्टर। तो गाइस, वही है, कल का दिन अच्छा गया है और रात को इंजॉय किया है हम लोग। तो ठीक है, तो मेरा ये ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करेगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू टैप अ बेल आइकन। तो गाइस, सी यू सून एंड नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।